अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से। आप लोग बोलते थे फिश का दुकान देखा सऊदी अरब में, तो आज हम लोग का फिश लेने दिखाएगा, अभी कोशिश करेगा आप सबको। ये कौन सा फिश है? इलिश है? ये इलिश है। ये इशारा अल हज में आया हम लोग एक दुकान में। ये कितने का है भाई? ये देख सकते हो फिश किस तरह काट के देते हैं यहाँ पे। अभी वो क्लीन कर रहे हैं पानी से, ठीक है, उसके बाद काटेंगे। क्यों, हम लोग इंडिया में ताज़ा फिश मिलता है तो भी नहीं खाता। यहाँ पे वो बर्फ़ वाला रोहू है, इसका किलो अभी 13 रियाल करके, 13 रुपया ना, 13 रियाल करके। ये इशारा अल हज में है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पे आता है। यहाँ काफ़ी क्लीन है, जब भी आप लोग आओगे इशारा अल हज में तो यहाँ से इनका दुकान से लेके जा सकते हो। यहाँ काफ़ी अच्छा है, क्लीन है हर जगह, फिश भी सस्ता है दूसरा दुकान से। तो मैं जब भी आता है फिश यहाँ से ही लेके आता था। अभी ये काट के छील के सब कुछ करके देंगे यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ये जगह काफ़ी पसंद है। मैं बाहर का नज़ारा आप सबको दिखाएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये इशारा अल हज है यहाँ पे। हाँ, मैं इनका दुकान भी दिखा देता है आप सबको कि आप लोग आओगे तो दुकान इनका देखो नंबर लगा हुआ है। हाँ, ये बोर्ड है देखो ये। हाँ, यहाँ पे आओगे तो ये काफ़ी अच्छा है दुकान, जब भी आओगे ये काफ़ी अच्छा है, तो इनसे मैं हमेशा लेके जाता है। ये देखो छीलने का स्टाइल, ये छील रहे अभी, ठीक है, उसके बाद पीस पीस करके देंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग घर में जाओगे तो इसको छीलना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब सब कुछ वो करके देंगे। और बंदा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं भी दूर से आता है शराया आखिर से। ये इशारा अल हज में है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे क्लीन है, आप देख सकते हो इनका यहाँ सारा क्लीन जगह है, चलने के लिए भी खुशबू नहीं है। नक्कासा में जाएगा तो खुशबू है, काफ़ी मुश्किल होता है सांस लेना। तो यहाँ पे हर चीज़ का फिश है, देख सकते हो यहाँ पे जो आपको पसंद है लेके जा सकते हो। बांग्लादेश का है फिश यहाँ पे। तू उठा उठा, ये वाला उठा के दिखा। मैं और मेरा भाई आया यहाँ पे, ये छोटा छोटा फिश भी मिल जाता है। ये देखो एकदम छोटा फिश है ये, तो हम लोग ये गांव में ताज़ा फिश मिलता था, यहाँ पे सब फ्रिज वाला है, लेके जाना पड़ेगा। पानी में रखेंगे तो ये ताज़ा जैसा हो जाएगा। ये देखो ये भी बांग्लादेश का है यहाँ पे देखो कौन सा है इनसे। यहाँ ये मिर्गा जो है इसका रेट है 18 रियाल, काफ़ी अच्छा है, सस्ता है। और रोहू का 13 रियाल, आप चॉइस करके लेके जा सकते हो, मुझे काफ़ी पसंद है। अभी ये कटिंग करेंगे आप सबको मैं दिखाएगा। इनके साथ काफ़ी मस्ती करता है, देखो मजाक भी करता है। तो ये बंदा मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आता है। आज मैं मेरा भाई के साथ आया, तो मैं अभी कोशिश करेगा ये कटिंग कैसे करते आप सबको दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब भी आओगे तो ये इशारा अल हज पे है, जरीर से आगे आके यू टर्न मारना पड़ेगा आपको, फिर ये बंगाली मार्केट भी बोलोगे तो सब बता देंगे आपको। तो इनका दुकान ये स्टार्टिंग में, अभी देखो ये किस तरह कट करते हैं। ये बहुत रिक्सी है काट करना, क्योंकि ये ब्लेड इतना तेज है, अगर थोड़ा सा गलती हो गया तो आपका उंगली बचना मुश्किल है। तो इनको आदत हो गया, मुश्किल नहीं, लेकिन हम लोग करने जाएंगे तो ये काफ़ी टफ है। हाँ, मेरा भाई ने डिमांड किया था कि आप जब भी जाओ ये फिश कटिंग दिखाओ, जो मैंने पहला वीडियो गोश्त वाला अपलोड किया उसके बाद से ये फिश का डिमांड था। तो मेरा कोशिश है आप सबको अच्छा से मैं दिखा दूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक करना। अगर इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंटमेंट करके नीचे बोल सकते हो, पूछ सकते हो, मैं कोशिश करेगा आप सबको इसका जवाब देने के लिए। लेकिन ये जगह अच्छा है, आज फ्राइडे है तो काफ़ी बंदा है, भीड़ है। आप लोग जब भी आओगे दूसरा दिन में फ्री मिलेगा, फ्राइडे का दिन में थोड़ा भीड़ रहता है यहाँ पे, बंदा भी काफ़ी है, क्योंकि हर जगह से आदमी आता है आके यहाँ मिलते, तो ऐसा लगता है गाँव की बाज़ार में आ गए। Yeah.
भाई बहन, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत है। आप लोग बोलते थे फिश का दुकान देखा सऊदी अरब में, तो आज हम लोग का फिश लेने दिखाएगा, अभी कोशिश करेगा आप सबको। ये कौन सा फिश है? इलिश है? ये इलिश है। ये इशारा अल हज में आया हम लोग एक दुकान में। ये कितने का है भाई?